दोस्तों हमने अभी तक सीख लिया है कर्सर, ट्रिगर, प्रोसीजर, फंक्शन, हर तरीके के हमने वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर दिए है, ठीक है। अब हम बात करेंगे पैकेज। पैकेज क्या होता है यहाँ पर? यूनिट ऑफ ग्रुप्स, मतलब पीएल एसक्यूएल में जितने भी हमने एलिमेंट कर चुके हैं, ठीक है, वो चाहे प्रोसीजर हो, फंक्शन हो, ठीक है, कर्सर हो, एक्सेप्शन हो, सबको क्या करना है, हम लोग को पैकेज बना देना है, ठीक है। चलिए कैसे बनाते हैं, इसमें दो तरह का होता है, एक पैकेज स्पेसिफिकेशन होता है, एक पैकेज बॉडी बनता है, ठीक है। तो पहले कैसे, मान लीजिए आपको बोलेगा क्रिएट अ पैकेज फॉर हेलो वर्ल्ड यूजिंग प्रोसीजर यूजिंग फंक्शन, ऐसे तरीके से बोल सकता है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे करते हैं। तो आपको लिखना है, तरीका वही है जैसे हम करते थे, क्रिएट और रिप्लेस, ठीक है, यहाँ पर कीवर्ड होगा पैकेज। मान लीजिए पैकेज का नाम है पैक वन, ठीक है, इतना आपने लिख दिया। अब इसके अंदर एज करके लिखना पड़ेगा, एज, ठीक है। अब मान लीजिए इसके अंदर आपने प्रोसीजर बनाया, तो प्रोसीजर का नाम देना पड़ेगा। मान लीजिए हम यहाँ पर हेलो वर्ल्ड कर रहे हैं, यानी कि मैसेज प्रिंट कर रहे हैं, तो मैसेज हो गया एंड। अब इस प्रोसीजर को एंड करना पड़ेगा, ठीक है, एंड emsg, ठीक है। तो ये हमारा बॉडी एंड हो गया, और इस बॉडी को क्या करेंगे, ऐसे स्लैश कर देंगे, तो ये हमारा स्पेसिफिकेशन हो गया। अब इसका बॉडी लिखेंगे, इतना आप लिखने के बाद आपको दिखाएगा पैकेज क्रिएटेड, स्पेसिफिकेशन क्रिएटेड, ठीक है, ये इतना हो गया। अब पैकेज का बॉडी बनेगा सिमिलरली, मतलब मेन मेथड इसके अंदर लिखा जाता है, ठीक है, क्रिएट और रिप्लेस पैकेज बॉडी, और नाम तो वही रहेगा पैकेज का, पैक वन एज, ठीक है। अब इसके अंदर प्रोसीजर बनाना है, तो फिर से अब पूरा प्रोसीजर वाला जैसे हमने सिखाया था, पूरा प्रोसीजर वाला लिखना है, क्रिएट और रिप्लेस, ठीक है, प्रोसीजर, ठीक है। हमें मैसेज प्रिंट करना है तो कोई इनपुट की जरूरत नहीं है प्रोसीजर का, लेकिन नाम देना पड़ेगा, जैसे हमने emsg दिया हुआ है, इज, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, बिगिन में हमें क्या करना है, जो भी हेलो वर्ल्ड है dbms अपना स्टेटमेंट डायरेक्टली लिख सकते हैं, ठीक है, मान लीजिए लिख दिया। तो एंड करना है आपको अपने प्रोसीजर को, ठीक है, एंड करना है आपके अपने पैकेज को, फिर आपको स्लैश डालना है, ठीक है। मतलब इसके अंदर आपको पूरा, आपको जो भी कंडीशन चाहते हो, चाहे मैसेज डिस्प्ले करवाना चाहते हो, कुछ मैथमेटिकल अरिथमेटिक ऑपरेशन करवाना चाहते हो, मेरा इसका सिंटेक्स बताने का मकसद था इस वीडियो का, ठीक है। अब समझ जाओ पैकेज में करते क्या है। पहले क्या करेंगे, स्पेसिफिकेशन बनाएंगे, मतलब सेम क्रिएट और रिप्लेस पैकेज, पैकेज का नाम, फिर यहाँ पर जो भी, मान लीजिए इसके, इसी के अंदर बॉडी के अंदर आप कितने भी बना सकते हो, एक प्रोसीजर, दो प्रोसीजर, तीन प्रोसीजर, कितने प्रोसीजर, फंक्शन बना सकते हो, कर्सर बना सकते हो, समझ में आ रहा है कि नहीं। बट आपको क्या करना है, एंड करना पड़ेगा, यहाँ पर पैकेज को एंड नहीं करेंगे, बस प्रोसीजर जो रहेगा उसको एंड करेंगे, लेकिन बॉडी में दोनों को एंड करवाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कुछ डाउट हो तो कॉमेंट करें।